स्वागत है आपका, मैं हूं भूपेश कोहली। बजट पेश हो चुका है, चुनावी साल में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश करते हुए कई लोक लुभावन घोषणाएं की हैं, जिसमें टैक्स पेयर को बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया। इसके अलावा अंतरिम बजट में छोटे किसानों के लिए भी बड़े ऐलान किए गए हैं। बजट में गायों के लिए भी एक योजना का ऐलान हुआ। पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया गया। इसके अलावा भी कई लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि अंतरिम बजट में किए गए ऐलान मोदी सरकार को सत्ता बरकरार रखने में कितना फायदा पहुंचाएंगे। इसी से जुड़े तमाम पहलुओं पर हम अपने खास पैनल से चर्चा भी करेंगे इस खास पेशकश में। चुनावी साल में मोदी सरकार ने अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है और इस अंतरिम बजट में चुनाव का खासा ध्यान रखा गया है। सबका साथ सबका विकास एजेंडा के तहत इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। चुनावी साल होने की वजह से इस बजट में कई लोक लुभावन ऐलान भी किए जाने की उम्मीद जताई जा रही थी। सरकार ने मध्य वर्ग पर खासा ध्यान दिया है और करीब 3 लाख टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है। हर करदाता को करीब 13,000 रुपये टैक्स की बचत होगी और अब दूसरे घर पर भी टैक्स नहीं भरना होगा। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स छूट का प्रावधान रखा गया है, पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपए थी। सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 40 से बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक कर दिया गया है, 50,000 रुपए तक कर दिया है। सरकार ने FD ब्याज पर 40,000 तक कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की है और इसकी सीमा अब तक 10,000 रुपए थी। इस बजट से किसानों को भी बहुत उम्मीदें थी, हालांकि उनको थोड़ी निराशा ज़रूर हाथ लगी है। लेकिन किसानों के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया है, जिसके तहत छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने की योजना बनाई गई है। 2 हेक्टेयर यानी करीब 5 एकड़ तक जमीन वाले किसानों के बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये सीधे दिए जाएंगे। इससे करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा। गायों के कल्याण के लिए कामधेनु योजना लागू करने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने कामगारों का भी ख्याल रखा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का ऐलान किया गया है, जिसका लाभ 15,000 कमाने वाले लोगों को मिलेगा। कामगार की आकस्मिक मौत की स्थिति में 6 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। 21,000 मासिक से कम वेतन पाने वाले कामगारों को 7,000 रुपये का बोनस देने की बात कही गई है। ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 30 लाख किए जाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा जिनका EPF कटता है उन्हें 6 लाख का बीमा दिए जाने का भी ऐलान किया गया है। अंतरिम बजट में महिलाओं का भी खासा ख्याल रखा गया है। उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। सरकार ने 2 करोड़ मुफ्त कनेक्शन और देने का ऐलान भी किया है। 70% मुद्रा लोन महिलाओं को देने की कोशिश की जाएगी। पीयूष गोयल ने बजट भाषण में सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की ही कमर तोड़ दी है। 2022 तक सभी को घर देने का वायदा किया गया है। हम दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। GDP में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। RBI को बैंक्स पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने NPA कम करने की कोशिश भी की है। रेरा के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाई गई है। सरकार ने गांव पर भी ध्यान देने की कोशिश की है। सरकार ने कहा है कि पिछले 5 सालों में ये कोशिश की गई है कि गांवों में भी शहरों जैसी सुविधाएं हासिल हो सकें। इसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने काफ़ी योगदान दिया। गांवों की सड़कों के लिए इस साल भी 19,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने डिजिटल विलेज बनाने का भी ऐलान किया है। पिछले 5 साल के डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़े हैं। सरकार की योजना 1 लाख डिजिटल गांव बनाने की है और रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। पहली बार रक्षा बजट 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब रहा है। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड भी मुहैया कराया जाएगा। सरकार ने सेना में 1 रैंक 1 पेंशन का जिक्र किया और इसके तहत अब तक 35,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का वितरण भी किया जा चुका है।
अंतरिम बजट का सत्ता पक्ष ने जोरदार स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए तो ये एक मास्टर स्ट्रोक जैसा है, ऐसा कई नेताओं का कहना है। एनडीए के सहयोगी दलों ने भी जमकर तारीफ की है, वहीं विपक्ष ने अंतरिम बजट के कई प्रावधानों पर सवाल उठा दिए। विपक्षी नेताओं का कहना है कि किसान एक बार फिर से ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि किसानों को उम्मीद थी कि इस बार उनके लिए कोई बड़ा ऐलान होगा, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा, बल्कि उनका सरकार ने मजाक बना दिया। चुनाव के बाद भारत को समृद्धि की तरफ जो बजट लेकर के जाएगा, ये उसका ट्रेलर मात्र है। इसका काम इस बजट ने देश भर में किया है और देश भर में उत्साह का वातावरण निर्मित किया है। विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है और समाज के हर वर्ग को किसी न किसी प्रकार से राहत देने वाला बजट। समाज के प्रत्येक तबके को समाहित करने वाला, भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला यह बजट स्वागत योग्य है। कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक एंड ऑल एनकंपासिंग बजट इन विच ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैव बीन टेकन केयर ऑफ। ये चित्र हैं कि बढ़ते भारत का, बढ़ते हिंदुस्तान का जो बजट हुआ है, कोई सबका साथ सबका विकास। उम्मीदों का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक पल देश की जनता के लिए जीते। हमारे विपक्षी दल इसको हमारी आखिरी बजट मानते हैं, लेकिन हम इसको आखिरी बजट नहीं। सामान्य आदमी को राहत मिले, ये सरकार की नीति रही है। मैं समझता हूँ कि उसी आधार पर वित्त मंत्री जी बजट प्रस्तुत करेंगे। उन उम्मीदों से बढ़कर मोदी जी ने दिया है, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो। अब 5 लाख रुपए तक के इनकम पे कोई टैक्स नहीं होगा। मैं समझता हूँ इस देश को अब तक की सबसे बड़ी सौगात है। जो चुनाव होगा उस चुनाव में क्या कहते हैं कि फिर से हम लोग 400 से ज्यादा सीट से आएंगे और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। आई डोंट थिंक गिविंग फार्मर 17 रुपीज अ डे इज एडिक्वेटली एड्रेसिंग एनीथिंग। आई थिंक इट्स एन इंसल्ट। I think it's an insult to the Indian farmer to turn around and tell him that you're going to give him 17 rupees every day. I mean, it's there couldn't be a bigger insult than this. 5 साल कुछ कर नहीं पा सके, वो अब इस बजट में क्या करेंगे? करेंगे भी तो चुनाव के दृष्टि से कुछ वो अपने पिछले 5 साल से हर साल देशवासी इसी उम्मीद से देखते थे कि उनका जो बजट होगा आम जनता का बजट बनेगा, पर हर बजट उनके सूट बूट वाले दोस्तों के लिए और उनको और अमीर करने के लिए बनाया गया। लिए एक साल में 6,000 रुपये देना चाहते हैं आप, मतलब एक महीने में 500 रुपये, और इससे ये किसान बहुत खुशी से जिएंगे। आई थिंक द बजट इज बिकम इररिलेवेंट नाउ। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज रिपोर्ट टू द पीपल that for 5 years that their performance has been remarkably poor. UPI believed in level playing field and healthy conventions in the matter of elections. 6000 rupaya aap announce kar diya milega, jeet ke aiyega tab na bhai. That is called as an interim but appear to be a whole term budget, and it's very clear that it's focused on the elections. और बजट पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे यशवीर राघव, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभय दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे। संजय मिश्रा हमारे साथ रहेंगे, संपादक हैं बिहार झारखंड चैनल के। अनिल तालान हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। जयंती लाल भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं जाने माने। और साथ ही साथ प्रदीप गुप्ता हैं, राष्ट्रीय संयोजक व्यापारी एकता समिति के। जयंती लाल भंडारी के पास चलेंगे सबसे पहले। जयंती जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस का कहना है कि 2 कौड़ी का बजट है, किसी को कोई फायदा नहीं है, किसी के लिए ये बजट नहीं है, और साथ ही साथ लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं, दबाव इतना ज्यादा पड़ जाएगा कि कोई सरकार इस बजट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। निश्चित रूप से यदि हम नए अंतरिम बजट की तस्वीर को देखें तो 2 बातें दिखाई देती हैं। पहली बात तो यह बजट 4 महीने का लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा है जी, जुलाई महीने तक का
चार महीने का। और दूसरी बात ये कि इस बजट के माध्यम से बहुत अधिक लोक लुभावन योजनाएं घोषित की गई हैं। ये योजनाएं एक लंबे समय से किसानों के द्वारा, श्रमिकों द्वारा, मध्यम वर्ग, आयकरदाताओं और एक आम आदमी के द्वारा उम्मीद की जा रही थी। तो यदि हम एक पंक्ति में देखें तो जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा एक बजट है। और कई बार अंतरिम बजट के अंतर्गत ये व्यवस्थाएं की जाती हैं कि जो लेखानुदान होता है वो लेखानुदान तो होता ही है, लेकिन उसके साथ में अगली व्यवस्थाएं भी उसके अंदर सुनिश्चित की जाती हैं जो देश की अर्थव्यवस्था की दिशाओं को प्रभावित करती है। तो इस संदर्भ में ये बजट सारी बातों को रेखांकित करते हुए दिखाई दे रहा है। संजय जी, कांग्रेस का कहना है कि चुनावी बजट है, जुमले छोड़े गए हैं, लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारी नैया तो ये बजट ही पार करा देगा, 350 से 400 सीटें हम ले जाएंगे, मास्टर स्ट्रोक है। वाकई ऐसा है क्या? देखिए, दोनों की राजनीति की लाइन एकदम तय है। बीजेपी सरकार है, सरकार में है तो जाहिर है वो उसे मास्टर स्ट्रोक ही कहेगी, और कांग्रेस विपक्ष में है वो उसे कहेंगे कि बेकार बजट है। लेकिन यहाँ पर हर सेगमेंट को अलग से समझने की आवश्यकता है इस बजट में। जो मुझे लगता है कि इस बजट में आखिर मिला क्या, अब इस पर तो बहस हो सकती है कि अंतरिम बजट था इसको पूर्ण बजट जैसा आपने बना दिया, बहुत सारी घोषणाएं की, लेकिन इस देश की 5 साल की सरकार जो मोदी जी की सरकार है उस पहली बार मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला है, ये इससे इनकार कोई नहीं कर सकता। क्योंकि देश की जनसंख्या जितनी है उसका 35% आबादी मध्यम वर्ग है, और उस 35% आबादी का मतलब हुआ कि 42 से 45 करोड़ की आबादी है मध्यम वर्ग की, जो देश की दिशा और दशा को तय करने में एक अहम रोल प्ले करता है। तो उसको एक रिलीफ मिला है, अब बड़ा रिलीफ मिला है। अब दूसरी बातें जब आती हैं कि किसानों को लेकर जो 6000 की बात आ रही है कि जो 2 हेक्टेयर तक के मालिक हैं उनको 6000 मिलेंगे, गरीब किसान को 6000 आप देंगे साल में। अब देखिए, इसमें सवाल आप बहुत सारे कर सकते हैं। तेलंगाना ऐसे राज्य में जब प्रति एकड़ आपको 10,000 रुपया देने की बात हो रही है सालाना, जो सरकार दे रही है, यानी कि 5 एकड़ है तो 50,000 आपको मिलेगा। लेकिन तो क्या देश इतना बड़ा है, जनसंख्या आपकी बहुत ज़्यादा है, वहाँ क्या संभव था? ये बात सही है कि 6,000 रुपया बहुत नहीं है, नाकाफ़ी है, इसको एक शुरुआत के रूप में कह सकते हैं। टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर है कि चूंकि चुनावी वर्ष है, इसमें आपने कोशिश की कि सबका साथ सबका विकास की तस्वीर हम सामने लाएं, लेकिन ये कितना व्यवहारिक है और कितना राजनीति के तहत किया गया फैसला है, इस पर तो बहुत सारी राजनीति अपना अपना बयान दे ही रही है। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, किस तरीके से उद्योग जगत इस बजट को देख रहा है, क्या हासिल, क्या खोया, क्या उम्मीदें थी? देखिए, मेरा मानना है बजट जो आया है वो राजनीति से प्रेरित है और चुनाव को देखते हुए बजट बनाया गया है। मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है, सही है इसके अंदर, लेकिन कहीं कहीं पर जिस हिसाब से इंडस्ट्री वाले सोच रहे थे कि कहीं पर इंडस्ट्री को कुछ फ़ायदा मिलेगा, कॉर्पोरेट टैक्स में कुछ कमी आएगी, कॉर्पोरेट टैक्स पहले सरकार ने 25% करा था, हमारा उस समय कहना यह था कि केवल कंपनियों में ना कम करके प्रोपराइटरशिप बहुत है, पार्टनरशिप बहुत है, वहाँ कम किया जाए। इसके अलावा जो छोटे छोटे इंडस्ट्री खत्म हो रही हैं आज के टाइम में, सर्वाइव कर रही हैं, सरकार का ध्यान वहाँ कहीं भी नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर पिछड़ रहा है इस समय, आप देखो 400 से मंदी चल रही है, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया उस सेक्टर के लिए, बिल्कुल एक कंगाली के कागार पे है। तो मेरा मानना था कि बजट के अंदर ऐसे प्रावधान आने चाहिए कि कहीं ना कहीं जब सरकार किसानों को भी छूट दे रही है, पैसा भी दे रही है, कर्जा ही माफ़ कर रही है जगह जगह, तो कहीं को इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाता, इसको कुछ बैंकों में छूट मिली होती, कुछ जहाँ सरकार वादा करती है कि मकान सस्ते बनेंगे, वहाँ भी सरकार में ध्यान नहीं है। कई जगह इसमें अनदेखी करी गई है, सिर्फ आम आदमी को खुश करने के लिए सरकार ने थोड़ा सा अपना खेल खेला इसके अंदर, और जो 2.5 लाख से 5 लाख की भी लिमिट करी है, इसके लिए बार बार चर्चा चल रही है ना, तो सरकार बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा मान रही है। इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो 5 लाख से ऊपर जहाँ पर आपकी इनकम होगी वहाँ पर ये लागू नहीं होगा, वहाँ वही पहला नियम लागू होगा, तो कोई बहुत ज़्यादा फायदा इसमें मिलने वाला आम आदमी को भविष्य में नहीं है, क्योंकि कहाँ तो 8 लाख से नीचे वाले गरीबी रेखा से नीचे माने जाते हैं, तो 5 लाख वाले जो है उसके ऊपर मैक्सिमम आदमी आ चुके हैं आज के टाइम में, तो उन्हें उनको जो है इस बजट का बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा और समझना होगा कि 5 लाख तक की आमदनी पर तो टैक्स एकदम एग्जेम्प्टेड ही है, लेकिन आप देखेंगे जो बाकी ऊपर जो स्लैब है, ऊपर जो स्लैब है, स्लैब में भी आपको बहुत सारी जगह 7 लाख 7.5 लाख रुपये सालाना यदि आपकी आमदनी है तो ऑलमोस्ट आप बहुत सारे मेडिक्लेम के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, ट्यूशन फीस, सरकार ने और भी बहुत सारे प्रावधान रखे हैं टैक्स एग्जेम्पशन को लेकर। 5 लाख तक की आमदनी टैक्स के दायरे में ही नहीं है, उसके बाद पर चर्चा होती है, उसके बाद अभी यदि मैं एक बात आपकी रोकना चाहूंगा बीच में, देखिए 5 लाख के बाद सीधा 20% का टैक्स है, पहले भी लोगों ने विरोध किया था,
सीधा 5 लाख के बाद में, और 5 लाख तो 5% टैक्स था हुई, और सरकार ने इसके अंदर जो स्पेशल वो कराया है ना, आपके जो कराया है इसमें बजट के अंदर, ये तरसंगत नहीं है कि 5 लाख से ऊपर बढ़ते ही 5 लाख के बाद 1.5 लाख रुपये की छूट होगी जो है, उसके बाद में अगर ज़्यादा इनकम बढ़ी है आपकी 46.5 से ऊपर होने के बाद में 2.5 लाख के ऊपर ही टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। चलिए चलिए, अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विभाग राय रखते हैं। अभय जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जबरदस्त बजट था, मास्टर स्ट्रोक था, सर्जिकल स्ट्राइक था, ना सिर्फ बीजेपी बल्कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनके नेता भी गदगद हो रहे हैं इस बजट को देखकर, कांग्रेस का रिएक्शन। देखिए, मोदी सरकार ने 5 साल क्या किया है, पहले थोड़ा सा उस पर हमको लाइट डालनी चाहिए। मोदी सरकार ने आज बहुत सारे अपने अचीवमेंट भी बताए, जो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल थे उन्होंने। आपको जानना होगा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पिनाकी मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि प्रधानमंत्री जी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, स्मार्ट सिटी, हाउसिंग फॉर ऑल, अमृत, हृदय, स्वच्छता, इसमें 21% राशि भी खर्च नहीं की। स्मार्ट सिटी में तो सिर्फ 1.8% राशि की है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 13 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। जो स्टेटिस्टिकल मिनिस्ट्री है 1286 प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करती है इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो ये बताती है कि 4.25 लाख करोड़ रुपए का एस्केलेशन हो गया 4 साल में क्योंकि प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हैं। जो एनयूटी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं वो 86,000 करोड़ रुपए के स्टॉल्ड हैं। 12 लाख करोड़ रुपए का नॉन परफॉर्मिंग असेट हिंदुस्तान में हो गया है। आप अगर देखेंगे तो फॉरेन रिजर्व पिछले साल की तुलना में 13.2 बिलियन डॉलर का डिप्लेशन उसमें हुआ है। 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलेप्स हो गई है। इकोनॉमी के 3 टायर पंचर हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्राइवेट कंजम्पशन नहीं है, और एक्सपोर्ट कोलैप्स हो गया। सिर्फ एक टायर पर गाड़ी चल रही है और वो भी ड्राइवर उसमें बेसिक जो ड्राइवर है वो बाहर खड़ा हुआ देख। बीजेपी के प्रवक्ता यहां पर नहीं है, लेकिन जो बीजेपी का कहना है वो भी मैं 2-3 बातें रख देता हूं। उनका कहना है टैक्स पेयर को राहत दी गई है, 3 लाख करोड़ रुपए तक पहली बार रक्षा बजट को किया गया है, जरूरत पड़ी तो और बढ़ा देंगे। सरकार का मध्यम वर्ग पर खासा ध्यान रहा, 3 करोड़ टैक्स पेयर्स को राहत दी गई है, हर करदाता को 13,000 रुपये की बचत है, 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट दी गई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया है, गरीब मजदूर किसानों के लिए ये बजट खास रहा है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, महिलाओं को भी राहत दी गई है, 2 करोड़ मुफ्त कनेक्शन और दिए जाएंगे उज्ज्वला योजना के तहत। ये तमाम उपलब्धियाँ गिना रही है भारतीय जनता पार्टी। भूपेश जी देखिए, उज्ज्वला योजना पर समझ लीजिए 85% लोग रिफिल कराने सिलेंडर नहीं गए, एक बड़ा फ्लॉ है इसमें। पार्लियामेंट में जवाब दिया कि एवरेज 4 सिलेंडर रिन्यू हुए हैं, इसका अर्थ जो रिपोर्ट आई है वो साफ दर्शाती। पहले किसानों पर खास करके बात करनी चाहिए। आप जानते हैं 12 करोड़ किसानों के पास 18,47,55,560 एकड़ जमीन है। इसके हिसाब से 3,900 रुपए मोदी सरकार ने पर एकड़ पर अनाउंस किए। 4 साल में 5 साल में किया क्या है? डीजल 1 एकड़ पे 70 से 100 लीटर खर्च होता है, जो 56.17 रुपए लीटर था वो एवरेज 70 रुपए पर आ गया, अर्थात 2,000 रुपए इनपुट कॉस्ट अकेले डीजल पर बढ़ गई, 516 रुपए पोटाश खाद की कीमत बढ़ गई, कीटनाशक बढ़ गई, इनपुट कॉस्ट इवेंचुअली 4,500 रुपए पर एकड़ बढ़ा दी, और 3,900 रुपए का आप अनाउंसमेंट पर एकड़ करते हो, मतलब 4-5 साल में पैसे किसानों से छीन लिए, उसके बाद आप एक अनाउंसमेंट करते हो। हुआ क्या है इस देश में एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ? ये जो बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि सपोर्ट प्राइस पे हम लोग खरीदते हैं, तो आप जान लीजिए किसानों से 2 फसलें सिर्फ सपोर्ट प्राइस पर बेसिक खरीदी जाती है, धान और गेहूं, और वो भी कंटेंजेंसी के लिए और पीडीएस के लिए, जो कभी भी 20% से ऊपर नहीं होता। 80% किसान बाजार के भरोसे है। 95 मिलियन टन का प्रोडक्शन गेहूं का हुआ है, 25 मिलियन टन का दाल का हुआ। चलिए अभी जी आऊंगा आपके पास। जयंतीलाल भंडारी अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद है। भंडारी साहब, जिस तरीके से कांग्रेस आंकड़े गिना रही है, कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है इस बजट में सबको छला गया, सबको ठगा गया, लगता है आपको वाकई ऐसा हुआ? यदि हम बजट के विभिन्न प्रावधानों को देखें तो
तो ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि समाज के जिन वर्गों को नई उम्मीदें थी, बजट से राहत की आशाएं थी, वे बहुत कुछ पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। जहां तक किसानों का प्रश्न है, ग्रामीण विकास का प्रश्न है, निश्चित रूप से हमारे किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से कृषि के क्षेत्र में मुश्किलें बनी हुई है। तो जब मुश्किलें हैं, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसे में ये एक महत्वपूर्ण निर्णय कि प्रत्येक ऐसा किसान जिसके पास में 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, उसके खाते में 6,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 12 करोड़ छोटे किसानों को एक राहत होगी। जहाँ तक मध्यम वर्ग का सवाल है, यह बजट मध्यम वर्ग को सौगात देता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत परेशानी अनुभव कर रहा था मध्यम वर्ग, और छोटे आयकरदाता तो बड़ी मुश्किल अनुभव कर रहे थे। बड़े खर्चे बढ़ रहे हैं, स्कूलों की फीस बढ़ रही है, स्वास्थ्य के संबंधित खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में वो मध्यम वर्ग के लोग जो सुबह 9-10 बजे से लेकर रात को 7-8 बजे तक काम करते हैं, उनके मन में एक प्रश्न था, एक इच्छा थी कि इस बजट से उन्हें कुछ मिले, और निश्चित रूप से मिलते हुए दिखाई दे रहा है। 5 लाख रुपए तक की आय को आयकर से मुक्त रखना एक ऐसा कदम है जिससे बहुत बड़ी संख्या में और 3 करोड़ लोग मध्यम वर्ग के इससे लाभान्वित होंगे। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये जो 5 लाख रुपए की आयकर की सीमा, छूट की सीमा की गई है, उससे एक बड़ा लाभ होगा कि सीमा के अंदर वे सारे लोग जिनकी आमदनी 5 लाख रुपए तक है, अब अपना सारा धन वे बाजार में लगा सकेंगे। क्योंकि कहीं उनके मन में डर रहता था कि इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो एक छिपी हुई धनराशि भी बड़ी मात्रा में अर्थव्यवस्था में आएगी, तो निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। अभय जी, और भी कई 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 बड़े कदम गिनाए हैं, अर्थशास्त्री बैठे हुए हैं, अब आपका रिएक्शन लेना चाहेंगे। नहीं देखिए, आप अगर उठाकर देखेंगे हमारा आखिरी बजट, अरुण जेटली साहब नेता प्रतिपक्ष थे, बहुत मेज पर थपथपा के वो कहते थे कि साहब आप 5 लाख रुपए की सीलिंग कीजिए, उसके बगैर काम होने वाला नहीं है। 5 साल लग गए जेटली साहब, और निर्णय भी लिया तो ये कि 5 लाख रुपए से 1 रुपए भी ऊपर हो गई तो आप उस कैटेगरी में नहीं आएंगे। बड़ा प्रश्न ये है, आप डिफेंस को उठाकर देख लीजिए, डिफेंस में 3 लाख करोड़ रुपए का एलोकेशन की बात करते हैं। आप पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एस्टीमेट मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि 1965 के बाद सबसे कम बजट जीडीपी के रेशो में मोदी सरकार ने दिया। 10i प्रिक्योरमेंट, 10 दिन का भीषण युद्ध लड़ने के लिए 9,800 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, 3,600 करोड़ रुपए दिए। मोदी सरकार ने के पास डिलीवरेबल्स नहीं है सही मायने में। जितनी भी स्कीम्स के आप उठाकर देख लीजिए, आयुष्मान भारत, उन्होंने कहा कि हम 3,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन रख रहे हैं, अरे 50 करोड़ लोगों के लिए 50 रुपए पर पर्सन, ये कैसा छलावा है। तो मुझको लगता है कि सिर्फ चुनाव के दृष्टिगत मेयर प्रोमिसेस अलोन वोंट वर्क वंडर्स, सिर्फ घोषणाएं चमत्कार नहीं कर सकती मोदी साहब, आपको वास्तविकता का धरातल बताना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुआ क्या है पता है आपको? 20,000 करोड़ रुपए खरीफ 16 से लेकर खरीफ रबी 17-18 तक प्राइवेट कंपनियों के अकाउंट में डाले हैं। तो कंपनी बीमा योजना ज्यादा है, किसानों को एक पैसे की राहत उससे नहीं दी। आता हूं अभी जी आपके मोदी पास, यशवीर राघव हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, तमाम सवालों का जवाब देंगे। राघव, यहाँ पर कांग्रेस का सीधे सीधे आरोप है, किसी को फायदा नहीं है, गरीबों को छला गया है, किसानों को 17 रुपए रोज के आप दे रहे हैं, ये मजाक है, ये आरोप कांग्रेस का। तो किसी को फायदा नहीं है तो आप एक बात का जवाब दीजिए, जिस दिन बजट आ रहा है तो आदरणीय राहुल गांधी जी अगर ईवीएम पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? उनको अपनी बौखलाहट दिख गई है, उन्हें अपनी हार दिख गई है, इसलिए अभय दुबे जी की हालत देखी आपने, पसीने छूटे हुए हैं। किसको फायदा कैसे नहीं है, वो कह रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर होने पर किसी को फायदा नहीं है। अरे 1.5 लाख का तो सीधा सीधा माने पीयूष गोयल जी ने बोला है, ये बोला है कि 1.5 लाख तक अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फायदा होगा। उसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि 10.5 लाख तक कोई इनकम वाला व्यक्ति है तो वो अपने टैक्स से बच सकता है, ATC हो, ATD हो, NPS हो, हाउसिंग लोन के अलावा। इन्होंने कहा कि 50 रुपये मिलते हैं 5 लाख से ऊपर जो इलाज कराने के लिए, नहीं उन्होंने इलाज उसका आयुष्मान योजना का भी कहा, बिना
आंकड़े देखे और आंकड़े देखे भी होंगे, एक्चुअल में क्या है कि इन्होंने अब मन बना लिया है कांग्रेस ने कि झूठ बोलना है, बरगलाना है और जनता को पागल बनाकर उनसे वोट लेनी है। 10 लाख से ज़्यादा लोग आयुष्मान के माध्यम से अपना इलाज करा चुके हैं। जब आयुष्मान योजना एक साल पहले लॉन्च की थी अरुण जेटली जी ने, तब भी इन्होंने ये कहा था कि ये कामयाब नहीं होगी, इसका पैसा कहाँ से आएगा, ये है वो है, और ऐसे ही आज ये आरोप मनगढ़ंत लगाने में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके पास कुछ है भी नहीं ना, इस बात का ही जवाब दे दीजिए। भाई ईवीएम पर आरोप आज क्यों, कल कर लेते, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या घूमने के लिए? अभय जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे क्यों आ गए राहुल गांधी? भूपेश जी, देखिए वो जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर दिया, बजट पर हम चर्चा को केंद्रित रखें। मैं तो सीधे से पूछना चाहता हूं, एक डिलीवरेबल्स बताइए ना, 5 साल में आपने स्कीम्स इतनी अनाउंस की, आप जानते हैं ये जो ODF की बात की, 2148 शहरों को ODF किया इन्होंने, ओपन डिफिकेशन फ्री, 12 स्टेट को डिक्लेयर कर दिया, वो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बता रही कि 70% जो टॉयलेट्स हैं वो बंद हो गए क्योंकि पानी तक की व्यवस्था नहीं है, और 20% मौके पर ही नहीं है, तो क्यों आप हिंदुस्तान के साथ छलावा कर रहे हैं? आप मुझे बताइए कि क्या 8 कोर इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट कोलेप्स नहीं हो गई? अभी मंथली इकोनॉमिक रिपोर्ट रखी आपने इसी महीने, उसमें यह बताया कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 10.4 से सिर्फ 0.4 रह गया। आरोप लगाने के अलावा 70 सालों में आपने किया क्या है? अगर आपने देश की जनता के लिए कुछ किया होता ना बेदुवेजी, इतना बौखलाना नहीं पड़ता। मैं आपकी बौखलाहट समझ चुका हूँ। आज जिस प्रकार से पीयूष गोयल जी ने मध्यम वर्ग को साधा है, उनको टैक्स की रिबेट दी है, किसानों के लिए इतनी योजना लाए और श्रमिकों के लिए जिसकी आज तक किसी ने चिंता नहीं की, श्रमिकों की चिंता नहीं की सरकार ने, कांग्रेस की ने कभी भी, आज श्रमिकों को भी 10 करोड़ को 10 करोड़ लेबर क्लास को फायदा मिलने वाला है। 60 साल के बुजुर्ग होने के बाद वो लेबर करे क्या? वो अपने बच्चों के ऊपर निर्भर रहता था या अपनी छोटी मोटी उसकी जो आमदनी हुई थी उससे उसने बचाया था उसके ऊपर निर्भर रहता, लेकिन पहली बार आधा उसका इंश्योरेंस का पैसा सरकार देगी, आधा वो जो लेबर है वो देगा, और 60 साल की उम्र के बाद भी वो आसानी से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकता है। आप इधर उधर की बातें ना करें, अगर इतना ही बुरा, अगर अवैध जी अगर ये बजट होता तो आप इतने परेशान ना होते, देश की जनता देख रही है। तो 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के स्टूडियो में बैठकर, टीवी के आगे बैठकर आप मापदंड मत मनाइए, जनता क्या सोच रही है। जनता बहुत खुश है, हमारे पास भी लोगों के फोन आ रहे और आपके पास भी आ रहे होंगे कि अगर आपने ये किया होता तो आप ना जाते 2014 में। तीनों राज्यों में जो देश का नाश किया ना, उसी की वजह से आप फिर इजहार कर दिया है जनता ने आपके खिलाफ। संजय जी, गांवों की सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपए, डिजिटल विलेज बनाने की बात की जा रही है, वन रैंक वन पेंशन का भी जिक्र किया, 35,000 करोड़ रुपए वितरण किया जा चुका है। डिजिटल विलेज की बात की जा रही है, जरूरत आन पड़ी है, पहले बेसिक से ऊपर उठ चुके हैं हम? नहीं, देखिए ये राजनीति पर बहुत बड़ा सवाल है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे या तो बीजेपी आज सरकार में है, कल कोई और सरकार में थी, आने वाले वक्त में जो भी सरकार में हो, हमें इस बात को एड्रेस करना पड़ेगा कि हमारे रूट प्रॉब्लम्स आखिर हैं क्या। अब आप सोचिए, हम स्मार्ट सिटी स्मार्ट विलेज की बात करते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन चैलेंजेस कहाँ पे हैं? जहाँ आप ODF के लिए फाइट कर रहे हैं, आप खुले में शौच से मुक्ति के लिए आपको स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको मुहिम चलानी पड़ती है, वहाँ पर आप डिजिटल विलेज की बात करते हैं। बेसिक को हमको एड्रेस करना पड़ेगा। ODF को लेकर वाकई एक बड़ा सवाल है, सरकार की एक अच्छी कोशिश, अच्छी मंशा, अच्छी योजना, आप स्टेट में चले जाइए आपको पता चल जाएगा कि इंदिरा आवास योजना जैसा हर्ष नजर आता है, वो कुछ जगहों पर वाकई सफलता भी है, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि हमारी मॉनिटरिंग सेल कर क्या रही है, हम जिनके हवाले किए हुए योजनाओं को वो एग्जीक्यूशन किस तरह से करा रहे हैं और हो रहा है। तो सिर्फ यही नहीं, नमामि गंगे की बात आप कर लीजिए, 20,000 करोड़ का वो बजट था, अब पूरे 5 साल में अब देखें अभी तक लगभग 4,000 करोड़ का खर्चा हुआ है, तो हम कहाँ पर रह गए हैं, समस्याएँ कहाँ पर हैं, सीवरेज क्यों नहीं बंद हो रहे हैं? हमारे समाज के साथ साथ सरकार को अपनी स्ट्रेटेजी को भी बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं, आपने मध्यम वर्ग को राहत दिया, बहुत अच्छी बात है, लंबे समय से लंबित मांगे थी, पिछले सरकारों ने नहीं किया, इस सरकार ने किया और अपने 5 साल कार्यकाल में किया, इसके लिए भी इनको जो एडवांटेज मिलना होगा मिलेगा, लेकिन जो बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका हश्र भी हमारे सामने है, उसका जवाब भी इन्हीं को देना होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। अब आप किसान की बात कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा 6,000 का चलिए शुरुआती ही सही, आपने कुछ काम किया है, कोशिश की, बहुत नाकाफी है, इसमें कोई दो मत नहीं,
लेकिन आप सोचिए, इस देश में ऐसे करोड़ों किसान हैं जिनके पास अपना खेत नहीं है, और आज की तारीख में जिनके पास अपनी खेत है वो उसे पट्टा पर देते हैं। उन गरीब, एक्चुअल गरीब वो हैं, उसके लिए क्या है, उनके लिए आपने कौन सा पैकेज दिया, ये सब समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आपने पेंशन योजना के तहत उसको शामिल करने की कोशिश जरूर की है, वो एक वक्त लगेगा, जब लाभ मिलना होगा मिलेगा, एक शुरुआत है। भंडारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अर्थशास्त्री। भंडारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कहना है ये गेम चेंजर होगा, ये मास्टर स्ट्रोक है। कई सारी ऐसी बातें हैं, मध्यम वर्ग की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, या और तबकों की बात करें, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उनको सहूलियत मिल रही है, उम्मीद से बेहतर बजट है। भारतीय जनता पार्टी इस बजट के सहारे 4-5% वोट जो है अपनी तरफ ला पाएगी इलेक्शन में, लगता है आपको? विभिन्न वर्गों के लिए इस अंतरिम बजट के अंदर जो प्रावधान निश्चित किए गए हैं, निश्चित रूप से वे उम्मीदों के अनुरूप प्रावधान हैं। एक लंबे समय से ऐसी उम्मीदें की जा रही थीं, और इसमें भी कोई दो मत नहीं कि यह बजट अंतरिम बजट है, लेकिन जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उस चुनाव में सरकार को फायदा हो जाए, ऐसे भी इस बजट से एक पंक्ति स्पष्ट रेखांकित होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि लोक लुभावन व्यवस्थाएं किसानों के लिए हैं, मध्यम वर्ग के लिए, गरीबों के लिए, और आप देखें कि असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ लोग लाभान्वित हो जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा इस बजट का पक्ष है। तो सारे वर्गों को जब सुविधाएं ढेर सारी दी गई हैं, रियायतें दी गई हैं, तो बजट लोक लुभावन है, और आगामी लोकसभा चुनाव के हिसाब से निश्चित रूप से ये घोषणाएं भी दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जिस पे हमको सोचना होगा वो ये कि इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती हम कह सकते हैं वो ये है कि फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अभी जो चालू वित्त वर्ष है 2018-19, इसमें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3.3% तक सीमित है, लेकिन ये जो बजट, नया बजट प्रस्तुत है, इसमें कहा गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट होगा, राजकोषीय घाटा होगा, वो सकल घरेलू उत्पाद GDP के 3.4% तक होगा। तो ये एक जो फैलाव है राजकोषीय घाटे का, वो बजट की सबसे बड़ी चुनौती है। सकल घरेलू उत्पाद GDP कैसे बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा कैसे कम होगा, इसका सवाल, इसका जवाब देखिए, माने पीयूष गोयल जी ने खुद भी कहा है इस बारे में कि हम 3.3% तक डिफिसिट जा रहा है। अगर ये हम आज जो घोषणाएं हमने की हैं, जो 2 हेक्टेयर लैंड से कम किसानों को 6,000 प्रति एनम प्रति वर्ष देने का जो विषय है, अगर ये ना करते तो शायद ये 2.6 तक आता, लेकिन 3.3% ही उन्होंने कहा है कि वो रहेगा। और रही बात GDP ग्रोथ की, तो आपको भी पता है कि इस समय 25 वर्षों के कार्यकाल का सबसे अच्छा GDP ग्रोथ पिछले 4.5 साल में 7.6% के हिसाब से आया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये एक भारी समस्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं तो नेगेटिव क्यों हो रहा है जी? अनएम्प्लॉयमेंट आप सिर्फ किस तरह से काउंट कर रहे हैं कि सिर्फ नौकरियां ही एम्प्लॉयमेंट को मान रहे हैं कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो, उसके अलावा भी देखिए ना, मुद्रा योजना के माध्यम से जो 15 करोड़ लोगों ने लोन लिया है, अगर एक व्यक्ति 3 लोगों को भी नौकरी देता है तो 15-45 करोड़ लोग, चलो नहीं मानते 30 करोड़ भी लोगों को रोजगार तो मिल ही रहा है। आप सिर्फ नौकरियों से ही क्यों जोड़ रही है? चलिए अभय जी, यहाँ बताया जा रहा है कि 30 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, राजकोषीय घाटा कम करने के पूरी तरीके से तकनीकें जो है वो अपनाई जा रही है। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं अभी पार्लियामेंट में जो जवाब रखा है उसको पढ़ रहा था, तो 15 करोड़ में से 96% जो मुद्रा के लोन है वो शिशु कैटेगरी के हैं। इसका अर्थ है कि 14 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो रोजगार तो मिल ही रहा है। अगर किसी नाई समाज के व्यक्ति को लोन मिल रहा है और 14-15 हजार से अपनी दुकान खोल रहा है, रोजगार तो मिल ही रहा है जी। 40 रुपए में, सुन लीजिए, मैं आपके बीच नहीं बोला, आप प्लीज धैर्य रखिए, आप धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। तो 23,040 रुपए में आपके पकोड़े का ठेला भी ढंग से नहीं लगता है साहब, 3 लोगों को कैसे रोजगार देगा वो आदमी, और उसमें 60 लाख अकाउंट NPA हो गए हैं, ये जवाब भी पार्लियामेंट में दिया है मुद्रा लोन के। बड़ी बात ये है कि एक रास्ता किसानों के लिए था,
सीएसीपी ने जो रिकमेंडेशन दी थी ये भ्रांतियां दूर हो जानी चाहिए। 22 कमोडिटी का एमएसपी हम डिक्लेयर करते हैं, खरीदते सिर्फ दो कमोडिटी हैं, गेहूं और धान, वो भी 20% से ज्यादा नहीं लेते कोई भी सरकार हो। सीएसीपी ने कहा था कि आप राइट टू सेल को इम्प्लीमेंट कर दीजिए, जो एमएसपी आप डिक्लेयर करते हैं एक कानून बना दीजिए कि हर हाल में उससे कम कीमत में खाद्यान्न किसानों का नहीं बिके। उसको स्वीकार नहीं किया मोदी सरकार ने। 6,000 रुपए कल्पना कर सकते हैं क्या है इनपुट कॉस्ट जब आपने इतनी बढ़ा दी, तो 6,000 रुपए का कोई महत्व नहीं। मैं बताता हूँ भैया क्या कल्पना है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सीएसीपी की उस सिफारिश को आज नहीं तो कल किसी भी सरकार को स्वीकारना होगा और हमको राइट टू सेल को इंप्लीमेंट करना होगा। इसके अलावा कोई समाधान। संजय जी 6,000 रुपए जो बता रहे हैं काफी है, क्या लगता है आपको इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए या ये एक शुरुआत के तौर पर है और एक एक कोई बड़ा प्रस्पेक्टिव है मोदी सरकार के माइंड में? देखिए इसमें बहुत सारे आपको मंथन करने की भी आवश्यकता है। जब आप एक तरफ कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है तो पैरेलल आपके गरीबी की संख्या भी बढ़ रही है और गरीब की संख्या इतनी बढ़ गई है कि 6,000 भी आपने दिया तो सही, ये बात तो सही है, उसको 6,000 रुपये मिलेगा तो मिलेगा, उससे पहले 6 रुपया भी नहीं मिल रहा था। लेकिन हाँ ये बिल्कुल नाकाफ़ी है, लेकिन इसको सिर्फ एक शुरुआत कह सकते हैं। इसमें एक जो इस पर जो निकल के आ रहा है निष्कर्ष के तौर पर कि किसान वाकई अब एक मुद्दा है, मध्यम वर्ग को आपने मुद्दा माना और ये वो वर्ग हैं जिनको लेकर राजनीति बहुत होती रही लेकिन इनको मुद्दे के रूप में किसी ने बहुत हद तक स्वीकारा नहीं। इस सरकार को ने महसूस जरूर किया है, एक शुरुआत भर है, इसकी आलोचना चाहे जो भी हो नाकाफ़ी है ये जरूर आप कह सकते हैं, करना अभी बहुत कुछ बाकी है। प्रदीप जी चुनावी बजट कहेंगे इसको या लेखानुदान कहेंगे या इंटरिम बजट कहेंगे क्या 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 कैसे कहेंगे आप इसे? देखिए मैंने 3-4 बातें नोट करी है इसके अंदर। भंडारी जी हमारे कह रहे हैं ना सरकार का जो ध्यान है सिर्फ बोर्ड की तरह जो उन्होंने बजट निकाला इस बार खुश करने के लिए आम आदमी को, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन सब देखना ये पड़ेगा हमारे को निश्चित रूप से कि व्यापारी वर्ग जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक व्यापार में तेजी नहीं आएगी, जब तक इंडस्ट्रियों में जवाब नहीं होगा, इंडस्ट्रियाँ खत्म होती जा रही है डे बाई डे, जब तक बड़े बड़े सेक्टर जहाँ पर बड़ा बड़ा योगदान है देश के अंदर उन सेक्टरों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक बजट को ऐसे आप वित्तीय घाटा करते रहेंगे क्या फ़ायदा। आप जो कह रहे हैं, आप जो दावा कर रहे हैं ये इंतरिम बजट है, कभी भी जितने भी आज तक आए हैं कोई भी बजट पूरा नहीं उतरा आज तक, आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि ये चुनाव से पहले का जो बजट आता है इसके अंदर सारी बातें होती हैं ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन खरा नहीं उतर पाता क्योंकि ये अपने हिसाब से नई सरकार आएगी या सरकार दोबारा चेंज करेगी इसके अंदर। अगर आप हर चीज़ को लेकर चलोगे आपको व्यापार तो बढ़ाना ही पड़ेगा, कृषि उद्योग को तो आपको स्थिरता देनी पड़ेगी। आप जो पैसा देने के आप दे रहे हो किसानों को, कर्जा माफ़ कर रहे हो या 6,000 रुपये उसके अकाउंट में दे रहे हो, एक तरीके से बोर्ड खरीदने के लिए पैसा दे रहे हो, आप किसानों को क्यों नहीं इस तरह सही करते, किसानों के लिए क्यों नहीं बियर हाउस बनाते, किसानों के लिए विदेश की तरह क्यों नहीं आप फूड प्रोसेसिंग पर ध्यान देते जिसके लिए बार बार कहा जा रहा है, उसके लिए क्यों नहीं बजट में प्रावधान करते आप? आपको दशा सुधारने की चिंता नहीं है, आप दिशा सुधार रहे हो अपनी आप। राघव जी दशा पे ध्यान नहीं है किसी पे, ना किसानों पे, राज्यों ना के व्यापारियों पे। करें छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, किसान आपको ले डूबे आरोप कांग्रेस का। देखिए राहुल गांधी के दबाव में आपने ये कर्ज माफी की बात की, किसानों को राहत की बात की, राहुल गांधी के दबाव में कांग्रेस के दबाव में वो कह रहे हैं कि हम पिछले 4 साल से आपको कह रहे हैं कि जो टैक्स की एग्जेम्पशन है उसको 5 लाख कर दीजिए, सब दबाव में आपने किया, आप बहुत प्रेशर में हैं। देखिए राहुल गांधी जी की स्थिति तो ये है, कुछ पत्रकार जब वो पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे तो उनसे बाइट लेने लगे भी कि आप इस पर टिप्पणी क्या करेंगे कुछ, तो वहाँ के आसपास के पत्रकार बोले कि अभी इनको लिख के दिया ही नहीं है कि इन्हें बोलना क्या है। दूसरी बात में अभय दुबे जी की बात का जवाब दे दूँ, एक कहावत है छाछ तो छाछ छालनी बोले जिसमें 72 छेद, इन्होंने किसानों को कहां से कहां लाकर छोड़ दिया है 70 सालों में। पहले कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान अदम चाकरी भीख निदान, खेती को अति उत्तम माना जाता था, इन्होंने अपने राज में किसानों को जमीन छोड़ी है, जमीन के नीचे दबा के मार दिया है। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही है, पिछले 4 साल में लगातार कुछ ना कुछ कर रही है, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। आप ये कह रहे थे कि भाई 6,000 रुपये से होगा क्या, अरे सिर्फ वो 6,000 रुपये नहीं है, उसके अलावा भी 150 करोड़ रुपये एग्रीकल्चर के लिए अलग से बजट गया है, 138 करोड़ रुपए ग्राम विकास के लिए, वो किसी और के लिए जाएगा क्या, वो भी ग्राम विकास 1,38,000 करोड़ जी 1,38,000 करोड़ ग्राम विकास के लिए गया है, वो भी तो उन किसानों का फायदा होगा। दूसरी बात, जो
बीमा योजना है खेती को लेकर, जो आकस्मिक कुछ आपातकाल हो जाता है उसको लेकर जो उन्हें मुनाफा मिलता है या जो भी खर्चा पानी मिलता है, तो वो भी तो किसानों को मिल रहा है। दूसरी तीसरी बात एक और मैं बताता हूँ, चौथी हो गई, फर्टिलाइजर्स के लिए जो सब्सिडी मिली है वो काटी थोड़ी है, वही है। ये 6,000 तो अलग से है, बाई चांस सरकार 3 किस्तों में देगी। खेती करनी है, बीज लेना है, फर्टिलाइजर लेना है, उनके पास पैसे की कमी है, तो वो उनका सहयोग होगा, उनके खर्चे के लिए नहीं है। बाकी योजनाएं तो यूं की यूं चल रही हैं। अभय जी, राहुल गांधी को लिख कर नहीं दिया था कि उनको क्या बोलना है, इसलिए वो बोल नहीं पाए। और तमाम योजनाएं जो हैं वो किसानों के लिए, गरीबों के लिए हैं। मात्र 17 रुपये का रोना ना रोए कांग्रेस, ये बीजेपी का कहना है। आपका जवाब? देखिए, राहुल जी ने तो ये स्थिति कर दी है कि सबसे ज्यादा तालियां पीटनी पड़ी राफेल पर इनको हाउस में, क्योंकि आत्मग्लानी थी वो, ये जानते थे ये जो चेहरे पर लाली है ये राफेल की दलाली है। इन्होंने बात की किसानों को जमीन में कांग्रेस की सरकार ने डाल दिया। अरे साहब, किसानों के अधिकार का कानून हम लेकर आए, क्या किया मोदी सरकार ने? राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कहा कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, आप अपनी तरीके से अमेंड कर दीजिए। और गुजरात की सरकार वो पहली सरकार थी जिन्होंने जो लैंड एक्विजिशन एक्ट हम किसानों के हक में लेकर आए थे उसको चेंज को फायदा कर दिया। हुआ, उसका नाम रॉबर्ट वाड्रा है और किसी किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। 20,000 करोड़ रुपए कल्पना कर सकते हैं आप? उस ग्रॉस प्रीमियम में से किसान को कितना मिला, पढ़िए पार्लियामेंट की रिपोर्ट, कम से कम तो आंखें खुल जाएगी। आपने सेस लगाया था, एग्रीकल्चर सेस, 19,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन था, वो सारा का सारा कंपनियों को ट्रांसफर कर दिया। जब भी आपने सपने दिखाए थे कि किसानों के हित में बड़े काम हम कर रहे हैं, जब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे थे, तब मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट दी कि 23,000 बड़े कारोबारी हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में कारोबार करने चले गए, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। अरे बिजनेस ही समाप्त कर दिया, अभी गुप्ता जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। पता नहीं अभय जी कहां से रिपोर्ट निकाल कर आ रहे हैं, 77वें स्थान पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत चला गया, यूएनओ कह रहा है, विश्व विभिन्न एजेंसियां कह रही है, पता नहीं एक कांग्रेस के दफ्तर में अपना सर्वे कराते हैं कि कहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चला गया है। अब आप ग्रोथ रेट को भी कम बता देंगे, कहां पर सर्वे कराते हैं? नहीं साहब, थोड़ा अध्ययन करिए, विश्व भर की एजेंसियां कह रही है ग्रोथ रेट के फैंसी फिगर मेथडोलॉजी चेंज करके लेके आए हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? सीएमआई की रिपोर्ट कह रही है 1,10,00,000 रोजगार पिछले साल दिए हैं और उन्होंने हमारे कहने से कर भी दिया। संजय जी, 2022 तक सभी को घर मिल जाएगा ये वायदा कर दिया, दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जीडीपी में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रोजगार लगातार एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है सरकार के लिए, बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है, उससे कैसे पार पाया जाए? देखिए, सरकार मौन है और सरकार को जब इसका जवाब देना होता है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर ले जाती है, ले जाने की कोशिश करती है सरकार। सरकार के लिए वाकई बड़ी चुनौती है ये। अब आप देखिए, आयात निर्यात नीति की भी यदि हम बात करें तो निर्यात बहुत कम हो रहा है, आयात उसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि ये कैसे किस तरह का ग्रोथ है और ऑप्शंस, यदि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है लोगों के पास, और चूंकि ये देश सबसे ज़्यादा युवा वाला देश है, युवाओं की आबादी सबसे ज़्यादा यहाँ पर है और हम इतराते भी हैं, लेकिन वो युवा यदि आप गाँव चले जाएँ तो आप विश्वास मानिए 90% यूथ जो है गांव में रहने वाला वो अनएम्प्लॉयड है। अब जब 90% अनएम्प्लॉयड है तो किस तरह का ग्रोथ देख पाएगा आपके लिए? तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप विलेज को आप शहर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जॉब क्रिएशन के जरिए यदि बनाएं तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जॉब वाकई नहीं मिल पा रही है लोगों को। प्रदीप जी, अगर व्यापार की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो किन चीज़ों पर आपकी नज़रें टिकी हुई थी, व्यापारियों की नज़रें टिकी हुई थी और क्या हासिल? देखिए, व्यापारी लोग ये चाहते थे सरकार से, जैसे कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट टैक्स में रियायत मिलनी चाहिए थी, थोड़ी सी 20-25 करी थी, उससे भी पूरे सेटिस्फाई नहीं थे वो लोग, कि और भी जो व्यापार के सेक्टर है, पार्टनरशिप फर्में हैं या प्रॉपरेट, वहाँ मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा हम बार बार मांग कर रहे हैं, व्यापारी इतना टैक्स देता है, व्यापारी को सुविधा क्या मिल रही सरकार से? कुछ नहीं मिल रही सरकार से। भाई, व्यापारी का टैक्स से आप मनरेगा में दे रहे हो, आप किसानों को पैसा दे रहे हो, हम तो किसानों के पैसे देने से दुखी नहीं है, हम ये कह रहे हैं किसानों का स्तर सही करो, किसानों का खेती का स्तर सही करो, आप अगर पैसा देना है ऐसी व्यापार का स्तर सही करो, स्तर पे ध्यान नहीं है। जो बेसिक चीज़ है, अभी आपने बेरोजगारी की बात करी है, आपने 25 लाख लोगों का रोजगार केवल NCR के अंदर जो हमारे बिल्डर से चल रहा था वो सामने आप सत्यानाश कर दिया पूरा, आपने इंडस्ट्री वाले बाहर जा रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी सही है, काफ़ी लोग मेरे साथ के मुझे पता है कि विदेश यहाँ से इंडिया से बाहर जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद में हाल देश का हुआ है, इसको भुला नहीं सकते,
उस समय कितने लोगों का बिजनेस खराब हुआ है, लोगों की गुडविल खराब हो गई, पैसा जो आप मानते हो कि बैंक से मिलता है कि बिजनेसमैन को, मैं उस बात को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, व्यापारी को पैसा और स्रोतों से मिलता है, जो शुरू से साहूकारी कह लो उसको या कोई भी परंपरा कह लो, जो हमारे हिंदुस्तान की शुरू से है, और भी रास्ते हैं जो मैं नहीं कह सकता, जिसको आप काला धन कहोगे कुछ भी कहोगे, वो सारी गुडविल खराब हो गई लोगों की, अब पैसा नहीं मिलना बंद हो गया व्यापारी को, तो सरकार को कहीं ना कहीं लोन के अंदर व्यापारी के लिए उसको रियायत देनी चाहिए थी, बिल्डरों को रियायत देनी चाहिए थी कि इसको कम रेट पर पैसा मिल जाए। अरे बिल्डर भीख नहीं मांग रहा, कम से उसको रियायत तो मिलनी चाहिए बजट के अंदर, नोटबंदी इससे नुकसान हुआ, सब्सिडी मिलनी चाहिए कहीं पर गया, इन्होंने कहीं भी ध्यान नहीं दिया उसके अंदर, केवल आप पैसा कहां से लाओगे। अभी हमारे भंडारी जी ने कहा था वित्तीय घाटा तो होगा ही होगा, वित्तीय घाटा आपने कह दिया, इतनी स्कीम बना लिया आपने, स्कीम कोई पूरी नहीं कर पाया आज तक। अब देश के विकास की चिंता नहीं की जा रही, ये चिंता की जा रही है कि लोक लुभावन वायदे कर दिए जाए और उसके बाद चुनाव जीत लिया जाए, इसके लिए पैसा कहां से आएगा, और उसके बाद फिर कांग्रेस जैसी तमाम पार्टियां कहेंगी कि आपने जुमले छोड़े थे। राघव, ऐसा है, आप ये नहीं कह सकते कि लोक लुभावने वादे किए गए और उस तरह का आज का अंतरिम बजट है। विकास की गाथा गढ़ने वाला ये बजट है। आप देखिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, गृहिणियों के लिए और मजदूरों के लिए, उनके लिए वाकायदा एक अलग से बजट के अंदर प्रावधान रखा गया है। दूसरी बात, प्रदीप जी ने एक बात कही कि भाई कई कंपनियां बंद हो गई, कई कंपनियां बाहर चली गई। वाकई में नोटबंदी से 1.5 लाख कंपनियां जो अलग से, ऐसे शेल कंपनियां जो गलत तरीके से चलाई जा रही थी, जो एक अलग से अर्थव्यवस्था चला रही थी काले धन की, वो बंद हुई हैं। मैं भी मान रहा हूँ बंद हुई हैं, जिससे कि काले धन पे जो काले धन पर जो पाबंदी हुई है वो नोटबंदी की वजह से हुई है। लोगों को मजबूर हो गया है अपने घर का काला धन अपनी जेब में जो रखा हुआ था उन्होंने, जिसका वो खोल नहीं रहे थे कि कितना जेब में छिपा हुआ है, उसे बताना पड़ गया। दूसरी, काले नहीं होते ये सारे, मैं सारे नहीं, आप देखिए ना, 3 लाख से आज 6 लाख लोग, 6 करोड़ लोग अब टैक्स भरने लगे हैं, तो कुछ तो फर्क आया ना, लोग टैक्स भरने लगे। क्यों भरने लगे? उन्हें लगने लगा कि नोटबंदी हो गई, अगर हमारे पास गलत पैसा हुआ, हमारे पास ज़्यादा कैश मिला तो हम पकड़े जाएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप पहले, आप नोएडा में आप रहते हैं, आप प्रदीप जी बता रहे हैं कि आप जब फ्लैट लेने जाते थे 50 लाख का फ्लैट होता था, 30 लाख रुपये आपको कैश लेके चलना पड़ता था और 20 लाख रुपये के चेक या जो भी पेमेंट है वाइट देनी पड़ती। आज स्थिति है ऐसी, क्या आज वाइट मनी से ही पेमेंट होती है, वाइट मनी से ही ट्रांजेक्शन होती है। नोटबंदी से देश पीछे चला गया, नुकसान हो गया, लेकिन यहाँ पर तमाम उपलब्धियाँ नोटबंदी की भी गिना दी गई। आपका रिएक्शन, आपका जवाब, ये कैसे जवाब दे देंगे? नोटबंदी के कारण तो इनकी दुकान बंद हो गई है। एक जानना चाहता हूँ, कितनी काउंटरफिट करेंसी आई है डिमोनेटाइजेशन से, कितनी ब्लैक मनी रिवील की है आपने? अरे 2% जीडीपी का लॉस, यानी 3 लाख करोड़ रुपए का लॉस, 1.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी है, 4.5 लाख करोड़ रुपए, और इरिपेरेबल लॉस तो बहुत बड़ा है जो किसानों को हुआ है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हुआ है। प्रदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा, एक फायदा सरकार आज तक नहीं बता पाई, जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था वो पढ़िए, वो कहते हैं कि 13-14 में 90,000 करोड़ रुपए रिवील किए थे सरकार ने, और इनके समय वो आंकड़ा 9,000 करोड़ रुपए होता है, तो ना ब्लैक मनी को ये रिवील कर पाए। इन्होंने फिर बाद में एक नैरेटिव दिया कि साहब वो कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हम, अरे सीआईसी कितना है, करेंसी इन सर्कुलेशन कितना है पता करिए आप, नोटबंदी के समय से बहुत ज्यादा करेंसी इन सर्कुलेशन आ गया, तो जो डिजिटल ट्रांजेक्शन था वो भी आपका फेलियर हो गया। देखिए साहब, आपने नियोजित रूप से मुट्ठी भर लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये स्कैम किया है। हमने कहा था कि नोटबंदी के एक महीने पहले जो मुट्ठी भर लोग हैं जिन्होंने 5,88,000 करोड़ रुपए बैंकों में टाइम और डिमांड डिपॉजिट में जमा किए हैं, उनकी जांच करो, तो कहते हैं जनधन खातों की जांच करेंगे। जनधन खातों में गरीब लोगों ने 86,000 करोड़ रुपए जमा कराए, कितने लोगों को 5,000 रुपए का लोन दिया, 0.06% लोगों को भी नहीं दिया आपने, तो पूरे हिंदुस्तान को नियोजित रूप से स्पॉइल कर दिया मुट्ठी भर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए। संजय जी, आपको भी 20 से 25 साल 30 साल का तजुर्बा है पत्रकारिता का, और लगातार हर साल आप बजट देखते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, एनडीए की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, हर बार बजट आता है, राजनीति होती है, एक दूसरे के बजट को कोरा बकवास रद्दी की टोकरी में तक डालने वाला तक कहा जाता है, लेकिन अगर इस बजट की बात करें तो सरकार का मध्य वर्ग पर खासा ध्यान रहा और उनको राहत महसूस हो रही है? इसमें कोई दो मत नहीं है। देखिए, हमें तो राजनीति नहीं करनी, हम लोग तो पत्रकार हैं, पत्रकारिता के नज़रिए से चीज़ों को विश्लेषण करते हैं, जो अच्छा है वो अच्छा है और जो अच्छा नहीं है वो नहीं है, हम साफ साफ में यकीन रखते हैं। मध्यम वर्ग को जरूर लाभ है, इसमें कोई दो मत नहीं,
टैक्स में आपने भारी राहत दी है और विश्वास मानिए इसका लाभ सरकार को चाहे जितना मिले वो तो बाद की बात है, लेकिन मध्यम वर्ग को वाकई बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। अब विपक्ष की अपनी बात है, उनके भी अब जो सवाल है कई सवाल मजबूत हैं और तार्किक हैं, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। रोजगार एक बहुत बड़ी चुनौती है इस देश में आज भी, चाहे हम कितना भी ग्रोथ का पीठ थपथपा लें, सरकार कह रही है कि विकास दर पर काफ़ी इजाफा हो रहा है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उसी तादाद में बेरोजगारों की लंबी फौज भी हमारे यहाँ खड़ी हो रही है। सरकार को इस इशू को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि होता क्या है भूपेश जी, आप सत्य को नज़रअंदाज कर सकते हैं पर सत्य के परिणाम को चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा विचित्र तरीके का ग्रोथ रेट देखा जाता है। पैरेलल गरीबी भी बढ़ती चली जाती है और खाई ज़्यादा गैप होता चला जाता है, अमीरों की संख्या भी बढ़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ती है, लेकिन संतुलित क्या होना चाहिए वो आज तक हमारी राजनीति में ये मिसिंग लिंक है और इसको इस रूप में देखने की आवश्यकता भी। गुप्ता जी देखिए, ग्रोथ रेट का जहाँ सवाल है ना, पहले हमारे को 2016 को देखना पड़ेगा। पहले हमारी 7.9 थी ग्रोथ रेट नोटबंदी से पहले, उसके बाद में सरकार बार बार कभी मोदी की रिपोर्ट आ रही है, कभी किसी की रिपोर्ट आ रही है दिखाने के लिए बार बार। इस बजट से मध्य वर्ग को फायदा दिखता है आपको? देखिए मध्यम वर्ग को आप दिखाने के लिए फायदा है इस समय है और वो खुश भी है, जैसे आप थोड़ा सा गरीबों के लिए कहना चाहिए, लेकिन मेरा मतलब ये धरातल पे होना चाहिए बजट। जब तक जो मध्यम वर्ग को फायदा देने वाले लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्री वाले हों, चाहे वो छोटे व्यापारी हों, चाहे वो रियल इस्टेट वाले हों, चाहे वो किसान हों, किसान इंडस्ट्री मान के चलो इसको आप, किसानों को कब तक आप इस तरीके से पैसा दे दे के काम चलाते रहोगे? वो कोई बजट, वो तो आप एक तरीके से पैसा देकर के वोट लेने वाली बात होगी। मैं तो यही कहूंगा इसको इस तरीके से कि वोट की राजनीति हो रही है बजट के माध्यम से, कि आप लोक लुभावन बजट दे दिया आपने, खुश कर देना है कि 2.5-3 लाख लिमिट कर दिया आपने, उसके भी अंदर में आप जाओगे जब अध्ययन करोगे तो बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। असली बात क्या है, वित्तीय घाटा आपको देखना पड़ेगा बजट के अंदर, और जो असली जिसके हमारे देश चल रहा है भाई, व्यापार से देश चलता है, 50% जो है लोग किसान का काम करते हैं कृषि के अंदर, 50% लोग हैं, पहले 70% लोग थे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री किसानों की है, उसका स्तर सुधारना पड़ेगा आपको। ये नहीं है कि आप उसके लिए आप किसान के अकाउंट पैसा दोगे, उसको आप बड़े बड़े विदेश की तरह आपको बड़े अच्छे बियर हाउस हो, उसकी बंसल फसल खराब हो जाती है किसान की, आप देखिए ना 60,000 करोड़ किसान को अगर ऊपर उठाना तो उसको वित्तीय मदद तो देनी पड़ेगी ना, बीज खरीद सके है ना, मैं वित्तीय मदद उसे साधन को दो ना, खाद खरीद सके तो उसके लिए पैसा चाहिए होगा, उसके ट्रैक्टर में आप उसमें सब्सिडी दो, उसकी चीजों में यंत्र में संयंत्र में सब्सिडी दो आप उसको, उसको और जगह भी तो आप लाभ दे सकते हो, पैसा देने से थोड़ी काम चलेगा। उसकी फसल का आप जो आप कहते हो किसान को अपनी फसल का रेट रखने का हक नहीं है, मैं एक पेन बनाता हूँ, मेरे पेन को मुझे राइट है कि मैं 10 रुपए कीमत रखूंगा उसकी, मेरी 8 रुपए कॉस्ट बैठ रही है, आपको राइट है आप कमीज बेचते हो कि मेरी कमीज 1000 की आ रही है 1200 की बेचोगे, किसान को कहां से राइट है बताओ अपना रेट रखने का? तो सरकार की जिम्मेदारी है, या किसान का राइट होना चाहिए, या उसकी सारी सारी जो गेहूं चावल जो भी होता है सरकार खरीदे, कहीं ना कहीं सरकार को उस बात पे ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा काम नहीं चलेगा देश का। ऐसे व्यापारियों के लिए व्यापारी वर्ग 2.5 साल से 3 साल से 4 साल से चला जा रहा है, बार बार उम्मीद कर रहा है, आपने कुछ भी नहीं दिखाया इसके अंदर, रियल इस्टेट सेक्टर है पिछड़ता जा रहा है देश के अंदर। आप देखिए ना कि आज सरकार मकान बना नहीं सकती, बिल्डर के मकान में सब लोग रहते हैं, जितने भी हम बैठे हैं कहीं भी देख लीजिए आप, बिल्डर 90% लोग बिल्डर के मकान में रहते हैं, उसी को आप कोसते रहते हैं, उसको कहां से आप सब्सिडी दे रहे हो, उसको इंडस्ट्री का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो उसको आप, उसको बैंक में कोई रियायत कहीं क्यों नहीं दे रहे आप, किसी भी तरीके से 20% उसका योगदान है ग्रोथ के अंदर, तो आपको कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि उन चीजों को भी आपको लेना पड़ेगा बजट के अंदर। अबे जी जनता बहुत खुश है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मध्यम वर्ग को जो राहत मिली है वो पिछले 10 सालों में 15 सालों में ऐसी राहत नहीं मिली है, मध्यम वर्ग बहुत खुश है और कहीं ना कहीं मोदी सरकार इस बजट के बाद दोबारा आ रही है, ये बीजेपी का कहना है, आपका रिएक्शन? देखिए संजय मिश्रा जी ने बहुत ही कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दिया है, मैं बहुत प्रभावित हूँ उस स्टेटमेंट से कि सत्य को नकारा जा सकता है, सत्य के परिणामों को नहीं नकार सकते आप। अगर सचमुच जनता के पास ये राहत पहुंची है 5 साल में तो मोदी सरकार के प्रति उनका झुकाव होगा, लेकिन जैसा कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट की रिपोर्ट, प्राइवेट एजेंसीज की रिपोर्ट बता रही है कि पूरी तरह फेलियर ऑफ डिलीवरी सिस्टम है मोदी सरकार में, भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ है मोदी सरकार में, तो सरकार को नकार दिया जाएगा। आप छोटा सा उदाहरण देखिए, इन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया, आप जानते हैं 2 लाख GPs में ग्राम पंचायत में 5 साल पहले हम सारी टेंडर की प्रोसेस करके गए थे और 2 साल का समय नियत हुआ था कि 2 लाख GPs में हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी पहुंचा देंगे। आप जानकर आश्चर्य करेंगे
जो सारे एमडीज हैं उन्होंने सरकार को लिखा है कि बहुत पुअर परफॉर्मेंस है इस स्कीम का, 1 लाख जीपी तक 5 साल में भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। जो तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार कांग्रेस ने उगाई थी उसको आप काट रहे हैं राघव जी, संक्षेप नहीं, ये इनका कहना बहुत गलत है। 14 लाख गाँव तक जा चुका है इंटरनेट कनेक्शन। दूसरी बात, प्रदीप जी वाली बात बहुत सही है कि किसानों को पैसा देने से ही, जिस तरह से लोन माफ़ करने के लोक लुभावने वादे राहुल गांधी कर रहे हैं, करके आए हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, और उसके बाद 25,000 रुपये के लोन में के बदले में 13,000 रुपये का चेक उन्हें आप दे रहे हैं कि भैया आपके लोन माफ़ हो गया। उसके बाद वहाँ पे लोग किसान हैं रो रहे हैं, और जब अमेठी में वो जाते हैं, जो अमेठी की ज़मीन जो किसानों की थी उसको कब्जा करके राजीव गांधी फाउंडेशन के अंडर ले रहे हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि किसानों के साथ वो कांग्रेस गलत करे। दूसरी बात, मैं लास्ट में, जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, 17 करोड़ सॉयल के हेल्थ कार्ड बांटे गए, 22 फसलों पर न्यूनतम MSP का 1.5 गुना बढ़ाया गया, उसके अलावा वेस्ट टू वेल्थ, जो उनका खेती करने के बाद जो वेस्ट बचता है उसको भी उससे वो पैसे कमा सकें उसका प्रयास किया जा रहा है। पशुपालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए भी लोन देने का वादा किया है और दे रहे हैं। इसलिए आप ये जो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है, मैं एक बात तो कहना चाहता हूं, कहना है कि जो हमने बोया था कहीं ना कहीं वही योजनाएं हैं, उनको अमलीजामा पहनाया गया नाम बदल बदल कर, और भारतीय जनता पार्टी अब उनकी फसल को काट रही है। अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, जयंती लाल भंडारी साहब, आपसे जानना चाहेंगे पीयूष गोयल के इस बजट को 10 में से कितने नंबर, क्योंकि आप अर्थशास्त्री हैं। इस बजट को हम 75% नंबर दे सकते हैं, क्योंकि समाज के सभी वर्गों में ये बजट उम्मीदें जगा रहा है, और उम्मीदें ऐसी हैं कि वे उनकी खुशियां बनती दिखाई दे रही हैं। और निश्चित रूप से एक बात ये कहना चाहूँगा कि इस बजट की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बजट का उपयुक्त क्रियान्वयन हो और राजकोषीय घाटे को बढ़ने से रोका जाए। चलिए, 10 में से 7.5 नंबर आपने दिए हैं, फिलहाल वक्त की कमी है। यशवीर राघव, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अभय जी बहुत शुक्रिया, जयंतीलाल भंडारी जी बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंतरिम बजट न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि NDA के दूसरे जो घटक दल हैं उनके नेताओं की भी बाँछें खिला चुका है। उनका कहना है कि बहुत सटीक बजट है और कहीं ना कहीं से माहौल इस बजट से भी बदलेगा, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि किसानों को कुछ नहीं मिला, मजदूरों को कुछ नहीं मिला, सब ठगा महसूस कर रहे हैं और किसी का विकास नहीं हुआ, किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं बरती गई और ये एक कोरा जुमला बजट है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए समय के साथ।